हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किचन क्वीन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी अंडे की भुर्जी। तो ये बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। तो देखिए, अंडे की भुर्जी बनाने के लिए हमें ये दो अंडे लिए हैं, ये बारीक कटा धनिया है, एक हमने प्याज को बारीक काट लिया है और दो हमने हरी मिर्चों को काट कर तैयार किया है। तो चलिए भुर्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक पैन को गैस पर रख दिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। तो देखिए, पैन में ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 2 चम्मच ऑयल डालना है, ऑयल को गर्म हो जाने देते हैं। तो देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, ऑयल से अच्छी हीट आ रही है। तो इसमें प्याज डाल देते हैं, प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, प्याज को इस तरीके से चलाते रहना है, तभी हमारा प्याज अच्छे से फ्राई होगा। तो प्याज जलेगा भी नहीं, तो इसी तरीके से चलाते हुए इसे ब्राउन कर लेते हैं। तो देखिए, प्याज में हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं, तो हरी मिर्च को भी प्याज के साथ में ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, तो इसमें अंडे को भी डाल देते हैं। तो देखिए, अंडे को इस तरीके से हम चाकू से कट लगा के और अंडे को तोड़ लेते हैं, इससे बहुत ही जल्दी अंडा टूट जाता है। तो देखिए, एक अंडे को हमने इसमें डाल दिया है, तो इसे चला देते हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। तो देखिए, चलाते हुए दूसरे अंडे को भी इसी तरीके से हम कट करके तोड़ लेते हैं और इसमें डाल देंगे। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। तो दूसरे अंडे को भी इसी तरीके से तोड़कर हम इसमें डाल देते हैं और फिर से चलाएंगे, तो इसके छोटे छोटे पार्ट में ये टूट कर तैयार हो जाएगी और बहुत ही जल्दी ये भुजिया बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। तो 5 मिनट भुजिया को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देखिए, भुजी को हमने फ्राई कर लिया है, तो इसमें हरा धनिया भी डाल देते हैं। हरे धनिया से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और बहुत टेस्टी बन जाती है भुजी। तो देखिए, धनिया डालकर भी 2 मिनट हम इसे पका लेते हैं, धनिया भी हमारा अच्छे से पककर तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, तो इसे आप लोग एक बार बनाकर ज़रूर देखें। बहुत ही सरल तरीके से हमने भुर्जी को बनाया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हमारी भुर्जी बनकर तैयार हो गई। तो इसे एक बाउल में परोस लेते हैं और सर्व करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी भुर्जी बनी और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को हमारी ये अंडे की भुर्जी की रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोगों को हमारी अंडे की भुर्जी की रेसिपी कैसी लगी। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तो पहले थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।